नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास सिक्स की साइंस की बुक में हमारा ये चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण, ये चल रहा था। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो सोल्यूशन होते हैं उनके बारे में बताया था। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें हम विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते हैं, और जो अनसेचुरेटेड होता है उसको हम जो है बाय हीटिंग के थ्रू जो है किस तरह से सेचुरेटेड जो है सोल्यूशन में विलयन में परिवर्तित करते हैं करके, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको जो हमारी एक्टिविटी 10 है कि इसमें हम दो अलग अलग पदार्थों को समान मात्रा में जल के अंदर घोलते हैं, क्या वे घुल पाते हैं या नहीं, तो इसके लिए ये एक्टिविटी 10 दी गई है हमारी, तो इसको देखेंगे हम अपनी इस वीडियो में। तो टेक टू ग्लासेस एंड पावर हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम, यानी कि हमने दो ग्लास लेने हैं और दोनों पे जो है आधा कप पानी डालना है। एड ए टी स्पून ऑफ साल्ट टू वन ग्लास एंड स्टिर टिल द साल्ट डिजॉल्व इट। और क्या करना है, एक ग्लास में नमक डालना है और उसको घोलते रहना है जब तक कि वो पूरा पानी में घुल न जाए। गो ऑन एडिंग साल्ट वन टी स्पून एट अ टाइम टिल द सोल्यूशन सेचुरेट्स, यानी कि लगातार उसमें नमक डालते रहना है एक एक चम्मच करके टाइम टाइम पर, जब तक कि वो जो सोल्यूशन है वह संतृप्त न हो जाए। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ साल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर, और आपने जो जितनी भी चम्मच नमक की उसमें डाल करके घोली हैं उनको जो है लिख लेना है कि हमने 4 चम्मच डाली या 5 चम्मच डाली करके, ठीक है। इन विच टेबल 5.2, जैसा कि इसमें दिया है 5.2 में हमने साल्ट कितनी बार डाल के उस आधा कप पानी में घोली, 4 चम्मच या 5 चम्मच यहाँ पे आपने या 6 चम्मच यहाँ पे काउंट करके लिख लेनी, ठीक है। नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, और इसके बाद जो दूसरा ग्लास हमने लिया था जिसमें आधा कप पानी डालता उसमें क्या डालनी है, हमने चीनी डालनी है। रिपीट दिस विद सम अदर और सब्सटेंसेज दैट आर सोल्युबल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद लगातार जो है उसमें डालते रहना है। वट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2, डू यू फाइंड द वाटर दैट वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेज इन डिफरेंट अमाउंट्स, तो आपने क्या नोटिस किया गया है कि जो पानी है उसने अलग अलग पदार्थों को अलग मात्रा में जो है घोला। वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, सम ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज इन ए साइंस लेबोरेटरी, तो हमने जो है इस चैप्टर में बहुत सारी जो हैं पृथक्करण की, पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ पढ़ी, और इनमें से बहुत सारी जो विधियाँ हैं वो साइंस की लेबोरेटरी में यानी विज्ञान की प्रयोगशालाओं में यूज होती है। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंसेस इन ए लिक्विड, हमने इस पार्ट में पढ़ा कि विलयन को तैयार करने के लिए जो है किसी भी पदार्थ को जो है उसके लिक्विड में घोलना बहुत जरूरी, उसके जलीय विलयन में घोलना बहुत आवश्यक होता जरूरी होता है। सोल्यूशन इज सेट टू बी सैचुरेटेड, उसके बाद जो सोल्यूशन होता है जो विलयन हमारा बनता है उसको हम जो है संतृप्त विलयन कहते हैं। इफ़ कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट, क्योंकि अब हम जो है उसमें उस विलयन में और अधिक विलेय की मात्रा नहीं घोल सकते हैं, तब हम जो है उसको क्या कहते हैं कि वह विलयन हमारा संतृप्त है, सैचुरेटेड है करके, ठीक है। तो जो है टेबल 5.2 थी, इसको आप करेंगे अपने घर में, आधा कप पानी लेकर के दो अलग ग्लासों में, एक में नमक डाल के घोलते रहेंगे, एक में चीनी डाल के घोलते रहेंगे, और देखेंगे कि जब तक कि वो पूर्णतः घुल न जाए करके, ठीक है। हीट नहीं करना है, खाली घोलना है उसको, तो कितनी कौन जो है ज़्यादा जिस किसकी मात्रा घुल सकती है पानी में, ये इस एक्टिविटी के थ्रू हमको दर्शाना है, ठीक है। ऑब्जर्व करना है कि शुगर ज़्यादा डिजॉल्व हो सकती है पानी में या सॉल्ट सॉल्ट हो सकता है, यानी क्या नमक हो सकता है या चीनी, ठीक है। दोनों के लिए आधा आधा कप कप पानी लेकर के उसको जो है सॉल्यूशन उसका तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो बेटा हमारा ये चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हमने इसमें बहुत सारी जो है सेपरेशन के मेथड्स जाने हैं, ठीक है, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो संतृप्त और असंतृप्त विलयन होता है उसके बारे में जाना है, ठीक है। असंतृप्त विलयन को हम गर्म करके संतृप्त विलयन में चेंज कर सकते हैं, ये भी जाना है। अब हम जो है अपनी इस नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे इस पार्ट के कीवर्ड्स हैं उनको करेंगे, फिर इस पार्ट के जो कुछ समरी है उसको कर लेंगे, और
इम्पोर्टेंट जो नोट्स थे उनको भी कर लेंगे, और फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर है उनको करेंगे, ठीक है।